वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक ठाक। और जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मेरी फ्रेंड है, उसका निकाह, तो मैं उस अभी जा रही हूँ। कल जो रेड कलर किया था वो ये आया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है रेड कलर। तो अभी मैं रेडी नहीं हुई, अभी मैं रेडी होंगी। चांदनी से पानी ख़त्म हुआ हुआ है, वो फिल्टर से पानी लेने जा रहे हैं। तो ये देखे शैरिश कलर लगवा रही है सुबह जाने के लिए अपने दोस्त के घर जाने, इसलिए ये देखे छन्नी भर के कलर लगा रही है। अभी तो इसने लगवाना शुरू किया, ये देखे मैंने अभी फ्लैश ऑन किया। ये गोल्डन बाल को हटाने के लिए ना दूसरा कलर, ये रफ बहुत हो रहा था इसलिए मैंने कलर लगवा दिया। और ये देखे हनी, हनी इस तरह के इसने कलर करवाने, इस तरह के, इस तरह के। तो गाइज अब जब ये सारे छनी अपने बालों पे लगा लेते हैं तो मैं फिर दिखाता हूँ। ये देखे गाइज अभी शैरिश ने कलर करवाए हैं, तो ऐसे जैसे नर्सों ने नहीं पहने होते बालों के ऊपर, जब उन्होंने किसी का ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टरों ने, शैरी इधर तो देख टोपी पहन ली है शैरिश ने। तो गाइस अब ये फेशियल करने लगी है, ये पता क्यों पहने, ये बाल ये देखे ना, ये पीछे इसकी सारी काली होगी है शर्ट, ये और काली नहीं होगी, नहीं कलर जल्दी आ जाएगा। तो अब शैरिश अपने वो करने जा रही है फेशियल। तो ये देखे गाइस शैरिश अब कपड़े धो रही है, देख ले एक दोस्त की शादी की खुशी में शैरिश पागल ही हो गई है। ये देखें शैरिश, और ये गाइस वो है जो शर्ट के ऊपर पहनना है दानिश ने, ये वो है। ये देखे शायद धोते साथ ही ये ड्राई है हमारी, ड्राई के अंदर डाली जा रही है, इधर से दौड़ रही है, इधर से ड्राई, इधर से दौड़ रही है, इधर से ड्राई, ठीक। शैरिश की टोपी का कुछ समझ नहीं लग रहा के ये कैप कैसी है शैरिश, इधर तो देखो गाइस आप भी घर में ये वाली कैप पहन लिया करें, शापर वाली सर क्या इससे कलर जल्दी हो जाएगा, चांद पे लगेगा 10 मिनट, वहां पे लगेंगे सिर्फ 5 मिनट। अच्छा गाइस ठीक है ना, ये जुगाड़ लगाया करें आप भी, पार्लर पे भी जाती है ना, तो रिस्पेंड तो हो रही है। तो गाइस मैं अंदर जा रहा हूँ, गर्मी बहुत लग रही है मुझे, ठीक है। अब शैरिश फेशियल करेंगे, इसका फेशियल दिखाने का समय आ गया। ये देखे इस शक्ल के ऊपर इसने फेशियल करना है, इधर लगी थी चूड़ी है। ये देखे शैरिश को अपनी सहेली की शादी पे जाने का चाह ही नहीं है, ये देखे येलो येलो सा मुंह पे लगा रही है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो ये देखे गाइस ये मसाज हो रहे है, ये इसके मसाज है जो उनसे काट रही है। मेरी ब्यूटी नहीं दिखाओ, ये देखिए गाइस। क्या चीज शैरी मसाज बिल्कुल आराम से करना चाहिए, शाइनिंग तो गाइस आ गई है, ये देखिए कलर शो कर रहा हूं, कलर भी आ गया। चांद भाई जी माशाल्लाह भी बोल, नहीं माशाल्लाह नहीं बोलना, शरी इधर करी। गाइस आपको मैंने करके बताया ना कलर साफ हुआ है आगे से के वैसा ही है, इधर देखो अब इसने एक करना है येलो वाला किया, अभी ये करना है कम लोग कल डांस देखो बाहर बैठे, शैरिश को लगता है डांस इधर बाहर के लिए आने वक्त, तो अब बाकी कम लोग सुबह नींद बहुत आ रही है। हेलो गाइस, तो अभी मैं सो के उठा हूँ, सुबह के 4:30 का टाइम है, तोते सारे बो रहे, थोड़ा थोड़ा बो रहे, इतना इतना नहीं बो रहे, और सुबह मौसम बहुत अच्छा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे गाइस सुबह
चार पाँच का टाइम है, तो ये गली सुनसान वरानी गली हो गई है, उधर एक ट्रक खड़ा है, गली सारी खाली है। तब करते हैं खिड़की बंद, तो भूख मुझे लग रही है। तो गाइस भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। मिट्टू भी बोलने लग गया, मिट्टू को भी लग गया भूख, या खाने का नाम सुनते, खाने का नाम सुनता है तो बोलने लग जाता है। तो अब गाइस एयर कूलर इनका मैंने अभी बंद किया ताकि शोर ना आए। फ्रिज से लेते हैं ब्रेड, ये देखे गाइस फ्रिज से लिया अभी ब्रेड। तो ये देखे गाइस ब्रेड के साथ मैंने अंदर कीमा डाला, तो ऊपर थोड़ा सा ये बटर डाला थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये डाल के मशीन को करते हैं बंद, को किया बंद, इधर से लगाते हैं स्विच, तो ये लाइट जल गई और दो तीन मिनट में हमारे सैंडविच हो जाते हैं तैयार। ठीक है, हम सैंडविच के टाइम में जाओ के बाहर। तो ये देखे गाइस इसे खोलते हैं, ये देखिए हो गया गरम गरम भाप आ रही है, तो इसको बंद करते हैं। हमारा सैंडविच तैयार हो गया, गरम है अभी। ये आ गया गाइस हमारा सैंडविच, अभी इसे काटना है फिर देखना। ठीक है, ये देखे गाइस सैंडविच मेरे हो गए थे तैयार, मैं बाहर ले आई इधर बैठ के खाता हूँ। तो ये देखे गाइस बाकी बाहर का मौसम और प्यारा हो गया, क्या कमाल का मौसम हो गया गाइस, बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो तोते भी बोलने लग गया गाइस, मैं खा लूँ खा के। तो सुबह अभी तो चार पाँच बज रहे हैं, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं उठ गया। तो ये मैंने बना लिया है, अब सुबह उठेंगे मामा पापा के साथ, मामा पापा 9-10 बजे उठते हैं, उनके साथ उठेंगे। इसे भी भूख लग गई है, इसे भी अभी देता हूँ। तो मामा पापा के साथ उठे तो फिर से मैं ब्लॉग शुरू करूँगा, तब तक के लिए प्लीज़ बाय। मैं रेडी होने जा रही हूँ, मेकअप वगैरह कर ले, थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ और लेंस वगैरह लगाऊँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। अभी मैं उठूँ डायरेक्टली, 2 बजे मुझे जाना है, तो मिलती हूँ तैयार होकर। बाय बाय। मैंने अभी लिपस्टिक नहीं लगाई, मुझे अभी लिपस्टिक लगाना है और दांतों को जाना डाल लिपस्टिक लगाऊँगी और उसके बाद मैं रेडी हूँ, फिर हम जाएंगे। चार अपने फ्रेंड्स को तो आप हम कमेंट्स करके बताना है कि मैं कैसी लगती। बस ये देखिए शारिस लिपस्टिक लगा रही है, लिपस्टिक लगा ली, दानी शायद का कपड़े पहनेगा और फिर हम जाएंगे चंद के घर। और आपको मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो कैम के आगे नहीं आती। लिपस्टिक खुद ही लाइट हो जाएगी, थोड़ी सी डार्क है, मुझे पता है थोड़ी सी डार्क है लेकिन खुद ही लाइट हो जाएगी। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मैं कैसी लग रही हूँ। मिट्टू मिट्टू, दानिश जी नहा के नहीं निकल, आधा घंटा हो गया गए हुए नहा के, वापस ही नहीं आ रहा। मैं रेडी होकर जा रही हूँ, चल दानिश, दानिश इधर देखा। तभी मैं जा रही हूँ, तो आके मिलती, बाय बाय। मैं अभी अभी आई अपनी फ्रेंड के निकाह से, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, बहुत इंजॉय किया, बहुत गेस्ट वगैरह आए हुए थे। उसके बाद दानिश जान पापा मामा सब ऊपर हैं, छत पे बैठे हुए हैं, वो नीचे नहीं आए। तो खैर बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। उसके अंदर आके बैठी हुई थी मैं, तो फिर मैंने कल लेस खा ली, हम लेस खा रही थी, बाकी सब बैठे हुए हैं, पापा लेटे हुए हैं, मामा बैठी हुई हैं। आज इतना कुछ था नहीं दिखाने के लिए क्योंकि मैं गई हुई थी। तो हो गया रात का 1 और चांद अभी बाहर गया था, पहले मैं एक लेस खा रही थी, वो दानिश के पास पड़ी हुई थी, तो दानिश को मैंने कहा दानिश आ खाएं बैठ के। तो
वो दानिश के साथ खा रही थी, फिर चांद गया, ये बाहर से चीज़ें ले मंगवाई मैंने कि मुझे चीज़ें ला दे, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खा लूँ। क्या है लेज़र वगैरह लेके आया, निम्को सुपारी भी मैं खाती हूँ और स्ट्रिंग पड़ी हुई है मेरे पीछे, ये भी मैं खाऊंगी। खा के तो फिर मैं दूध पीऊंगी, दूध पी के फिर हम लोग वगैरह खा के मैं अभी फ्री हुई हूँ और चांद ये बैठा हुआ है, हनी की फीड बना रहा है और हनी देखें कैसे देख रहा है, हनी देख रहा है फीड को कि मेरे पास जल्दी से आए, और ये देखे चांद ये बना रहा है। ये इसकी फीड होती है सीरिलैक, जैसे जैसे छोटे बच्चों के सीरिलैक होते हैं वैसे इनकी भी, परिंदों की भी फीड होती है। तो चांद अभी वो बना के उसे देगा और वो खाएंगे। आने लगा फीड, चलो हनी रेडी हो जाओ फीड खाने के लिए, हनी रेडी है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। ये चांद खिला रहे उससे फीट, माशाल्लाह से इसे इतनी भूख लगी हुई थी, माशाल्लाह से सारी खा गई है माशाल्लाह। तो गाइस माशाल्लाह कहना ना लाजमी है, क्योंकि हमारा एक पहले हनी था ऐसा, वो फोत हो गया, नजर लग गई थी ऐसे, तो इसलिए मामा कहती है जो भी काम करो हनी के मुतलक माशाल्लाह लाजमी को। ओहो वो देखो फीड बाहर ही निकाल दिया उसने, वो बाहर ही निकालता है, जितने उसने खानी होती है उतनी खा लेता है, बाकी निकाल देता है। तो गाइस अब दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद फिर व्लॉग बस एंड, आज इतना नीता है क्योंकि शारिश गई हुई थी जी, लेकिन फिर भी मैंने आपको आपके साथ मैं कंटिन्यू रही। शायद ने उधर खाते हुए भी नहीं दिखाया क्या क्या खा रही थी, कैसे कैसे खा रही थी नहीं दिखाया। क्या अब पियेंगे हम दूध के ऊपर मलाई है, और मम्मा मेरा व्लॉग देख रही है साथ साथ, और ये पड़े हैं ग्लास, और ये अब दूध पीने लगे हैं, और दूध पी के यहीं से इजाज़त, आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी।